हेलो एंड वेलकम टू साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग और वेब थ्री की दुनिया में अगर हम एलवन की एल्टूज की अगर बात नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना यार और पता कैसे लगेगा कि हो क्या रहा है और एल्वन की हम बात करें एल्टूज की बात करें और अगर उस एल्वन से और एल्टूज से अगर लोग नहीं आएंगे बात नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे लगेगा राइट सो so, हम आजकल ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सुन रहे हैं यूनो जेपी मॉर्गन कह रहा है कि एल you टूज know, का जमाना है एल टूज की वजह से को को पूछता नहीं है ऑल दो इनफैक्ट आई बी डब्ल्यू के अंदर अवार्ड और कौन सा एल टू नो विल एलवन का फ्यूचर भी है कि नहीं देन एलवन वाले कहते हैं अरे एल वन इतने स्केलेबल हो जाएंगे एल टू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एल टू को तो कोई पूछेगा भी नहीं राइट ऑल दीज डिफरेंट कांगफरेंट काइंड ऑफरियज आर बिंग डिस्कड आई थिंक टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की जो शुरुआत होने वाली है वो शायद इसी बात में

Uh, और बाकी के बारे में एंड इंस्टीट्यूशंस का, we'll in right? का ये सबसे इंपॉर्टेंट है अचानक आपने रिसेंटली सुना होगा जेपी मॉर्गन और अव का जो न्यूज थी a a noise, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो इंस्टीट्यूशंस का अचानक इंटरेस्ट और अवालच की तरफ रुझान वो सारी चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे, राइट? राइट? सो सो दिस इज़ गोइंग टू टू बी एन एक्साइटिंग शो। ओवर यू जैसा कि भाई ने एक मूड सेट कर दिया है और general, और इन जनरल जो जो इथेरियम कम्युनिटी वेब मूड सेट किया है. बहुत सारे बड़े सिग्निफिकेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है uh, गुड होप्स uh, उनकी धीरे धीरे जो कम्युनिटी है वो श्रिंक होती जा रही है उनकी सिग्निफिकेंस कम होती जा रही है फॉर एग्जाम्पल सेलो सेलो एक लेयर वन ब्लॉकचेन के रूप में चालू हुआ था इट हैड अ वेरी गुड लाइक यू नो रेपुटेशन इन मोबाइल इंडस्ट्री कि ये फर्स्ट मोबाइल बेस्ड ब्लॉकचेन लेयर बनने वाली है बट गिवन दैट उन्हें इथीरियम इकोसिस्टम के साथ कंप्लाई नहीं किया

क्या गिवन दैट लाइक पूरा इकोसिस्टम है वो भी अभी थोड़ा सा Ethereum है एवलांच की जो सी चेन है मेजर चेन वो ईवीएम कंपैटिबल है uh, सारे लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इथेरियम के डाले हुए एवेलांस uh, के ऊपर डाल सकते हैं सो इज दैट वन ऑफ द मूड दैट एवलांच इज लुकिंग टुवर्ड्स द इकोसिस्टम इज लुकिंग टुवर्ड्स यू you नो know, मैं बाकी लेर के बारे में बात नहीं कर सकती और मैं बाकी लेर टूस के बारे में बात नहीं कर सकती उनके श्रिंक करें ना करें वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी कैसे कर रही है हमारा प्रोडक्ट कैसे कर रहा है और आप अभी अगर एवलांच के प्रोडक्ट को देखेंगे तो आप बस देखिए हम लोग एक स्ट्रेंथ से दूसरे स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं यू you नो know, बाकी यू you नो know, जिनके डिवेलपर्स हो मुझे पता नहीं है वो कौन डिवेलपर्स है कैसे करते हैं पर तो काफी बारी यू you नो know, जो लेयर लेर वन है या लेयर टू है बहुत हाइप के साथ लॉन्च होते हैं और फिर हाइप के बाद कुछ ज्यादा होता नहीं है है ना तीन चार न्यूज आर्टिकल्स हो तो हो जाते हैं एक दो चीजें जाती और फिर वो ट्रैक्शन सस्टेन नहीं कर पाते हैं और वो डिवेलपमेंट को ग्रो नहीं कर पाते हैं बट हमारे यहाँ अलग है आप हमारे डिवेलपर्स को अगर देखो तो सारे मतलब यू you नो know, टॉप डिवेलपर्स हैं पी एच डी स्टूडेंट हैं जो अब यू नो ब्लॉक चेन के अंदर हैं तो आप देखो यू नो एवरी टाइम हमारा कोई अपडेट आता है तो मतलब इट मेक सेंस और उसकी वजह से अगर आप देखो तो हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं हमने आपने जेपी मॉर्गन के बारे में बात की आपने यू you नो know, आपने सिलो का एग्जांपल दिया सिलो और बाकियों के बारे में यू you नो know, आप देखो तो कुछ कुछ हुआ नहीं क्योंकि वो कम्पर्टेबल या तो नहीं थे ईवीएम से या तो उन्होंने ज्यादा टेक डिवेलप नहीं करी कि वो अपने बल पे खड़े हो पाए बट हमारे यहाँ एक तो दो चीज़ें हैं एक तो है कि हम लोग हैं ईवीएम कम्पर्टेबल और दूसरा है कि हमारी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही काफी स्ट्रांग है तो हमें ये यू you नो know, इस चक्कर में हम घुसते ही नहीं Hmm. all right that's that's super interesting but uh, like you know, if you look into it avalanche ek evm uh, base, kisa chalu base. Tha. given that evm kendari sorry developers hai, right that's where uh, things uh, that's, that was one of the conscious decisions जो उस समय एवलांच इको सिस्टम ने लिया था राइट दैट्स दैट्स वन ऑफ द बट दूसरी चीज जो है जो कम्युनिटी वो वो देखती है वो है ये कि चलो आपने ईवीएम ले लिया वहां से आपके पास डेवलपर्स आ जाएंगे पर कैपिटल तब तक नहीं आएगा जब तक आप इथीरियम अलाइंड नहीं हो जैसे हमारे पॉडकास्ट में सनी आए थे थोड़े दिन पहले उन्होंने हमको बताया था कि टेरा रूना के कॉस्मोस इज द सेकंड बिगेस्ट इकोसिस्टम आफ्टर द ईवीएम एंड इथेरियम इकोसिस्टम एंड द रीजन व्हाई इट इज सो बिग एंड द रीजन व्हाई इट हैज इट हैज वेरी लिमिटेड कैपिटल अगर आप इथीरियम अलाइन नहीं हो ना तो आपके अंदर कोई कैपिटल नहीं डालेगा थिंग्स गो रोग ऑल द कॉस्मोस ने बढ़, बढ़ने की कोशिश करी इट ट्राई टू गो इट्स इश्यूज क्या एवलांस के साथ भी हम सिमिलर लाइक uh, like, you know, uh, देख सकते हैं कि क्या uh, कुछ लाइक यू नो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं इन uh, द और कुछ की कमी हो सकती है के अंदर? हमारे यहाँ वैसे कैपिटल की तो कमी कभी हुई नहीं अगर आप हमारा मार्केट कैप भी देखेंगे तो टोकन का मार्केट कैप टॉप टेन है अभी भी लास्ट दो दिन में दो बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट उसके मार्केट कैप बढ़ाए तो यू you नो know, ये तो है नहीं कि मतलब हम लोगों के यहाँ कोई इशू हो रहा है क्योंकि हमारी टेक इथिरियम नहीं है बट ये यू you नो know, आप सोचते हो जब आप इथिरियम अलाइनमेंट में बात कर रहे हो मतलब आप बढ़ चढ़ा के मतलब यही बोल रहे हो कि लेयर टू क्यों नहीं हो है ना मतलब और लेयर टू हम लोग इसलिए नहीं है कि अगर आपने कल सुना होगा तो हमारे एवल एप्स के फाउंडर आ, को फाउंडर और सीओ ने अमीन गुनसेरन ने बात करी थी और उन्होंने बोला था कि वो लेयर लेर टू नहीं बने क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अलग थी और उसके लिए आपको स्केल चाहिए थी उसका अलग कंसेंसस मैकेनिज्म था और इन्होंने जो इनोवेशन बनाई उस समय ट्वेंटी right, में वो लेयर टू में डाल के कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो चलती नहीं yeah. क्योंकि yeah. तो, you know, तो ये नहीं है कि हम लोग Ethereum को कुछ डिस या कुछ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हैं ईवीएम कंपैटिबल और यू you नो know, हम लोग समझते हैं कि लाइफ में मतलब ब्लॉकचेन इंटर ऑपरेबिलिटी होगी hmm. ये नहीं है कि बस एक ही चेन सबको मार डालेगी बट है कि हमारी अलग टेक्नोलॉजी है अलग तरह से चलती है और अच्छी चलती है तो हम लोग कर रहे हैं राइट right. दैट्स और इन जनरल अगर आप देखो तो जो ना वो सेंट्रलाइज है क्योंकि सेंट्रलाइज सिक्वेंसर से वो अभी चलती हैं फ्यूचर में डिसेंट्रलाइज होंगी ठीक है और मैं भी किसी को पिस ऑफ नहीं करना चाहता ऑफ कोर्स डिसेंट्रलाइज होंगी एंड दे बी बेटर टू इट बट अगर आप लाइक यू नो लेयर टू नहीं है तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो इथेरियम की जो वेरिएबल डिसेंट्रलाइजेशन और वे, uh, उनके जो नेटवर्क है

फिर दूसरे पांच वैलिडेटर एक दूसरे बात करते हैं। तो क्या होता है? अब सबको वैलिडेटर से बात कर, सब बात बात कर कर रहे रहे हैं, हैं। में जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो क्या होता है कि कि ये नहीं एक को सारे बाकी 99 से बात करनी है तो आर क्रिएटिंग सिक्योरिटी क्योंकि वैलिडेटर सब बात कर रहे हैं बट आर क्रिएटिंग सब कुछ एक ही मिली में हो रहा है तो अगर आप आज के टाइम टू टाइम टू फाइनलिटी देखो सबसे which is one of the fastest but at the same time very secure ethereum ki finality 7 second ki uske karan bahut problems hoti hai but anyways so ye 0.3 seconds ka kuch i think thodi thodi bahut problem hoti hai anyways 0.7 ya 0.3 second ki aise kuch hai to fir aap dekho ek to ye hai एक दूसरी बात है कि आप validators सोचो कितने होंगे मेरे को याद नहीं अभी इथेरियम के कितने हैं पर हमारे यहाँ

It is. that's uh, that's super interesting uh, given what's happening in the layer 1 and layer 2 ecosystem now you dekh like you know ecosystem is evolving towards a stack op ne op stack launch kiya jiske karan uh, jis, uh, what ha what they are doing with it is uh, basically you can launch a chain which is around the op ecosystem right like a layer three or a different layer 2 uh, which is

कुछ फर्क नहीं पड़ता आ, हमारे यहाँ जो हम लोग सोचते हैं ये नहीं है कि हम लेयर टू अपने आप पे बना रहे हैं बाकी तो नहीं चलती है वो पता नहीं दूसरों को कैसे चलेंगी बट हमारे यहाँ एक तो सी काफी स्ट्रांग है और उसके ऊपर आप देखो सबनेट क्या है आप सबनेट सोचो आप यू नो आपकी प्राइवेट चेन ही है बट लेवरेजिंग द सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी तो अगर आप जेबी मॉगन हैं और ग्लोबल हैं और आपके पास प्रोडक्ट है आप, you know, to, uh, your, uh, और आप क्या कर रहे हो आपने अपना बना दिया के तो इसमें बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आप परमिशन कर सकते हो जैसे करनी है आप उसमें कंप्लायंस कर सकते हो जैसे करनी है आप उसमें गैस टोकन डिसाइड कर सकते हो क्या होएगा नहीं होएगा वो भी कर सकते हो तो हमारे यू नो सिम कस्टमाइज्ड बट ऑल्सो आप तभी भी फुली सिक्योर हो और आपको कोई इश्यू नहीं है उनके यहाँ भी एक बट आप एक था। और एक सिंगल लेर टू बनाओगे तो उस पर भी फिर प्राइस राइज कर जाते हैं हमारे यहाँ हर हर सबने अलग है अलग जैसे चेन है कस्टमाइज है आपके कंपनी या आपके इंस्टीट्यूशन या आपके प्रोडक्ट के लिए है

यू नो आई थिंक इज अ ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक लेयर आई थिंक शायद रहेंगी आई थिंक देखना पड़ेगा कि कौन सी चलती हैं और कौन सी नहीं चलती हैं एंड अलॉट ऑफ दैट विल डिपेंड ऑन कौन सी लेयर वन चल रही है या नहीं चल रही है एथिरियम सबसे पहला जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म था बिटकॉइन क्रिएट हुआ था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की तरह एथिरियम के पहले बार आइडिया आया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो सकते हैं ब्लॉक में हो सकते हैं hmm. तो आई थिंक एथीरियम तो है यहाँ पे रहने के लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी में वैल्यू थी और है और इनके ऊपर उनमें बहुत है एंड सेटअप ही नहीं थी स्केल के लिए कि जितने ट्रांजैक्शंस लोग करने की कोशिश कर रहे हैं आप सोचो कितने कितने आपको डॉलर देने पड़ते हैं एक फोटो स्टोर करने के लिए थीर पे हुँ. या इवन पॉलीगॉन पे अब तो तो आप देखो आई थिंक लेयर वन और लेयर टू रहेंगे मल्टीपल रहेंगे और वही होता है फ्लेवर ऑफ द ब्लॉक वर्ल्ड राइट हम लोग अगर डिसेंट्रलाइज है तो होनी चाहिए थोड़ी टेक्नोलॉजीज़ एक ही से क्या करेंगे बट आई थिंक थोड़े जो नहीं चल पा रहे हैं जो नई डिमांड्स मीट कर पा रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी के साथ वो शायद या तो कंसोलिडेट हो जाएंगे या तो किसी के अंदर फोल्ड हो जाएंगे या तो वो किसी और के लेर टू साइड चेन बन जाएंगे आ, हम ये देखते हैं क्योंकि कोई भी अगर आपको उसके अंदर चेंज करना होता है तो वो इतना रैपिड नहीं होता जितनी और L1 में होता है इथेरियम का अल्टीमेट गोल तो हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केलेबिलिटी को अचीव करना है राइट right? अगर हम उसका रोड मैप देखें चाहे वो कई सालों में अचीव होगा बट उनका अल्टीमेट गोल तो यही है कि वो स्केलेबल होना चाहते हैं एट द मैक्सिमम लेवल वो चाहे वो कितने मिली ट्रांजेक्शन पर मिली सेकेंड हो यू नो बट डू यू थिंक

और जिनके पास नहीं है वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे रिगार्डलेस ऑफ वेदर इथेरियम स्केल करता है कि नहीं और आई थिंक टाइम लगेगा इथेरियम को रीच देयर अभी तो है नहीं वहाँ पे आई थिंक इट्स मोर ऑफ वेट एंड वॉच मैं जीनी तो नहीं हूँ तो आई कैन टेल यू क्या होएगा आई कैन रिलेट टू इट अच्छा एक चीज और जैसे कोई भी डी बना रहा है तो आपके लिए एक एल1 uh, का यार्ड क्या है कि भई This L1 is, uh, is क्या वो ट्रांजेक्शन स्पीड है क्या वो सिक्योरिटी है क्या वो, है? या वो you know, के लिए कितना हैसेसिबल है, क्या, कितना है? Uh, कुछ इको सिस्टम होते हैं जहाँ पे यू नो डैप्स को uh, जो है एलि uh, के, के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होते के? नहीं और जैसे मैं आपको एक बात बताऊ जैसे आज डी uh, फाई को हमने थे बहुत

that might say okay no let me let me go on ethereum and probably because of the security there maybe because a lot of things are on stake and for micro transactions and the DAP ecosystem retail segment and other uh, things might fall onto other elements uh, how do you think that the thing, uh, things will progress in future uh, I don't think so hmm. uh, avalanche network pay they can

ज वन ऑफ द लार्जेस्ट इफ नॉट द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, उनके चार बिलियन डॉलर के जो हेल्थ केयर फंड किया फंडल पे ही टोकनाइज किया है थीरियम या सोलाना या किसी और पे नहीं किया तो आई थिंक डिपेंड्स किया इंडस्ट्री के लिए मेक सेंस करता है कि नहीं हमारे यहाँ प्रोडक्ट जो है जो सबनेट्स हैं स्पेशली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए वो बहुत सही हैं और बेटर हैं बाकी सबसे तो आई थिंक आप नहीं देखेंगे कि वो सब इथेरियम पे बिल्ड करेंगे आप देखेंगे right. कि वो एवलांच पे ही बिल्ड करेंगे व्हाई एवलांच इज एबल टू गेट मोर इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्टेड देन यू नो अदर हेल्पर्स व्हाट व्हाट डू यू थिंक इज इज समथिंग इज दैट यूएसपी दैट इज अट्रैक्टिंग ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन आई थिंक

पर उनके पास हमारी ना सिक्योरिटी है ना स्केलेबिलिटी है ना कस्टमाइजेबिलिटी है तो अगर आप ट्रूली आप सोल्यूशन ऐसे ढूंढ रहे हैं जो आपके इंस्टिट्यूशनल नीड्स के लिए आई थिंक राइट वन राइट फेयर और आपने बताया कि जेपी मॉर्गन और उसके अंदर जेपी मॉर्गन क्या कर रहा है थोड़ा डेप्थ में बताइए कि वो मतलब इट्स नॉट जस्ट एमओयू साइन और इट्स नॉट मोर लाइक दो लोग मिले वेब थ्री कॉन्फ्रेंस के अंदर और दोनों बोला कि पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं इट्स रियली समथिंग मोर सो बेसिकली ये

क्योंकि आप सोचिए टिपिकली आप के आर के लिए भी देखे आपका नॉर्मल चेक साइज के आर के हेल्थ केयर फंड के लिए था आई थिंक हंड्रेड ऑफ ऑफ था क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है टू न्यू इन्वेस्टर इतनी हाई होती है कि उससे स्मॉल चेक साइज उनको चाहिए ही नहीं था अब उन्होंने जब ऑनलाइन टोकनइज कर दिया इलाज पे उनकी जो ओवरहेड कॉस्ट है केवाईसी करने की को और किसी इन्वेस्टर ऑनबोर्ड करने की चेक और बैलेंसेज रखने की इतनी रिड्यूस हो चुकी है

और कैप्चर कर पाए और उसको फॉस्टर कर पाए उसको एजुकेट कर पाए तो हमें यू uh, नो you know, हमें इच्छा है कि वी वर्क विद लार्ज इंस्टीट्यूशंस आपने शायद देखा हो कि हमने आई ट्रिपल ई के साथ न्यूज़ uh, यस्टरडे ही रिलीज करी yeah. है विद ज़प्पा लैब्स या आई मीन दैट्स अ फेनोमिनल न्यूज़ आई थिंक आई आई वांट यू टू टॉक मोर अबाउट इट ये इंफॉर्मेशन मेरे पास कल ही आई एंड उसमें अ लेजिट Hmm. जो नील मार्टिस हैं उनसे मेरी बात बात हो रही थी तो हम लोग जब बात करते हैं कि 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 की के, के, क्या इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो आ, वो क्या अडॉप्ट कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी को उसका क्लासिक एग्जांपल है कि हमने जब पीछे देखा कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू हुए हम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को इशू होते देखा पॉली, हमने पॉलीकॉन पे देखा फिर हमने आ, कोविड uh, सर्टिफिकेट्स को पॉलीगॉन पे हमने फिर uh, uh, कोलकाता कोलकाता के अंदर हमने लैंड रिकॉर्ड्स को uh, uh, देखा हमने एफआईआर को हमने देखा फिरोजाबाद के अंदर एफआईआर गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन यू नो पॉलीगॉन और अब हमने ये देखा कि जो आई ट्रिपल ई राइट तो उसके जो सर्टिफिकेशंस हैं उसको हमने अवलांच पे Uh, कल जो न्यूज आई उसके बारे में चाहता हूँ इंडिया में हम न्यूज़ ने इंडिया में टीम बस तीन महीने पहले शुरू करी थी थिंक you know, काफी हमारे अर्ली वैलडेशन है अर्ली विन है फोटो को के, edit करके, अपना नाम डालके ऑनलाइन डाल दे और कोई वे, वे ही नहीं था किसी और को वेरीफाई करने के लिए आप काम पे जा रहे हैं आपके जॉब इंटरव्यू में ने किसी ने पूछा आप कहा काम कहाँ से पढ़ाई कर कोई वे नहीं था उनको चेक करने के लिए कि क्या सर्टिफिकेट

और कि यू नो हमारे लिए ये देखते हैं आई आई टी के साथ न्यूज कैसे चलती है पर आई थिंक इट बी अ रोलिंग सक्सेस और उसके साथ यू नो नई न्यूज भी आएंगी ऑब्वियसली क्योंकि अगर यूज uh, केसेस अगर आ रहे हैं ब्लॉकचेन uh, के और पब्लिक ब्लॉकचेन के अगर यूज केसेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट्स एंड स्टेट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विल रियलाइज कि दिस इज द यूज केसेस आर रियल एंड इट आर दीज आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी And for the government, somewhere, Joe fake degrees and certificates is one of the biggest problem, uh, not just in India but many Asian countries. So I think it's a great news. Uh, so look, really looking forward to that. So exactly, jo uh, uh, Pranav ka jo question take uh, India had Eva Labs, what probably the probably the uh, main addition. What they can do is like these bring up these use cases mm. and educate the government that there, crypto or Web3 is not only about trading and making money. It's it, there are some real use cases that that are that can prove to be beneficial to the government. Yeah. EPNS is excited to announce that we are now push protocol. We launched EPNS in 2020 with the backing of Web3's leading developers, investors, and builders. To date, we have powered the world's largest notification network on Ethereum. Now, EPNS is evolving beyond Ethereum and beyond push notifications. Introducing Push Protocol, the multi chain communication stack for Web3. Push is building a suite of products to enable notifications, chat, ads, streaming, and more. The Push token is the critical piece of the Push Protocol, securing, governing, and incentivizing all ecosystem participants. Push Protocol is the missing piece of Web3. Found. Join us at push.org. Avalanche आपको मुझसे बेटर ही पता होगा की इंडिया में uh you know largest developer base here in the world. I have a statistics for you, very shocking. So the number of CS graduates that graduate from India every year. Computer science uh engineering care graduate India a graduate karte hai, wo utni jo size is the population of uh, Israel. So it's it's huge. Yeah. It's huge. Uh how many million is that? Would you know? Yeah. But you can just see the uh, <laughs> yeah it's the scale, huh? yeah, the scale is crazy. Um एग्जैक्टली तो यू नो आपको पता है कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डिवेलप इको सिस्टम है इन द वर्ल्ड बट आप अगर है आप देखेंगे काफी लोग बहुत यंग है बहुत एक्साइटेड के बारे में एक्सेस तो टू तो टूल्स नहीं है एक्सेस टू तो एजुकेशन नहीं है तो ये बच्चे दूर दूर से ये है सीखने के लिए बट हमारे लिए ये है कि इससे और हम क्या कर सकते हैं इससे बेटर क्या कर सकते हैं लोगों के लिए इन बच्चों के लिए स्पेशली राइट तो हमारे प्लान में है कि हम लोग कॉलेजेस में करेंगे, हम लो करेंगे, हम नहीं, ये भी नहीं हम लोग ये नहीं की जाके थप्पा लगा दिया इट्स इज रियली लाइक आपको चार हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे ठीक है आप जाओ आप सीखो आप आप हमारे इंक्यूबेटर में जाके फिर अप्लाई करो

उट टू मी ऑन ट्विटर एट मित्तल देविका एंड हमारे पास बी डी ग्रांड प्रोग्राम है हमारे पास बी सी प्रोग्राम है और मोर देन दैट हमारे पास ऑलवेज टेक सपोर्ट एंड मार्केटिंग सपोर्ट है फॉर प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग ऑन एवलेंच राइट सो ये थी देविका मित्तल एवा लैब से और आई एम श्योर कि आपको आज हाँ जो अवालांज इकोसिस्टम के बारे में एवा लैब्स के बारे में बहुत जानकारी मिली होगी एंड अगर आपको ये शो पसंद आया और तो प्लीज उसके बारे में कमेंट करेगा अवालांज इकोसिस्टम में और अगर आप चाहते हो कि देविका फिर से वापस आए और और बात करें तो प्लीज हम डेफिनेटली पॉडकास्ट पे इनको बुलाते रहेंगे टाइम टू टाइम ठीक है और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट सो वो जो लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे राइट सो थैंक यू देविका एंड थैंक यू प्रीमच थैंक यू थैंक यू